नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग पे। दोस्तों मैंने सोचा है कि एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया जाए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर आप भी एक ब्लॉग चैनल बनाइए और उस पर जो भी डेली का जो भी रूटीन है उस पर आप उसको अपलोड किया करिए। कि भाई लोग, मैं तो आप जैसा यूट्यूबर नहीं हूँ और टेक्नोलॉजी के मामले में भी मुझे बहुत सारा ज्ञान है नहीं। मैं एक लॉयर हूँ और उतनी चीज़ें मुझे नहीं आती हैं इस टेक्नोलॉजी में कि किस तरीके से एडिट करनी चाहिए। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पे व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं, चाहे वो टैग हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो किसी प्रकार का थंबनेल हो, सारा का सारा मोबाइल से ही बनाना होता है क्योंकि कैमरा तो मेरे पास अभी है नहीं फिलहाल। तो मैं इस मोबाइल से ही अपनी सारी वीडियोज़ को शूट करता हूँ और जितना भी समय मुझे मिलता है कोर्ट के बाद वो सारी चीज़ें मैं इस मोबाइल से ही शूट करता हूँ। इवन यहाँ तक कि मुझे एडिटिंग का भी नॉलेज नहीं है, यहाँ तक कि मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत कुछ सीखा हुआ है लेकिन जिसे प्रोफेशनल कहते हैं वो चीज़ अभी नहीं है, एफिशिएंसी नहीं आई है। तो आप में से बहुत सारे जो अपने भाई लोग हैं और अपने जो फ्रेंड हैं वो कहते हैं कि सर आप भी एक ब्लॉग चैनल बनाइए, उस ब्लॉग पे आप अपने डेली रूटीन का जो भी कुछ है आप उस पर डाल सकते हैं और ये भी एक अच्छा संदेश हो सकता है कि हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये है दोस्तों कि आपको अभी फिलहाल क्या करना है कि अभी फिलहाल आप इस कोरोना वायरस जो सेकेंड फेज है, जो सेकेंड स्टेज है, जो दूसरी लहर जिसे बोल रहे हैं लोग, उसमें मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है। दोस्तों मास्क रहेगा तो ही आप संक्रमण से बच पाएंगे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप घर से बाहर जाएं तो बिना मास्क के न जाएं और जब भी घर पे वापस आए तो हाथों को अच्छी तरीके से धोएं, सैनिटाइज करें और अपने घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं सबसे पहले उनसे दूर रहें। यदि आप बाहर से कहीं आते हैं आप सबसे पहले खुद को नीट एंड क्लीन रखिए, उसके बाद ही अपने घर में किसी और से मिलिए क्योंकि यह दूसरा स्टेज है, ये बहुत ही पैनिक है और बहुत ही डेंजरस है। खासकर ये छोटे बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि इसका सिम्टम्स इस बार कुछ ज्यादा ही म्यूटेट होके आया है। ये सीधे आपके लंग्स पे ही अफेक्ट कर रहा है और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आजकल लोग कह रहे हैं कि मैंने तो वैक्सीन लगवा ली है लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको संक्रमण का खतरा बना रहेगा। तो आप जितना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, उतना आप सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों ये तो मैं वीडियो अपने इसी चैनल पे डालने वाला हूँ लेकिन दोस्तों मेरा चैनल एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी के नाम से एक ब्लॉग चैनल होगा, उसी को आपको एक बार फिर से प्यार देना होगा, सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप उससे जुड़ सकें, मेरी हर चीज़, हर डेली वीडियोस को देख सकें और जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पर कमेंट में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपकी सारी बातों को वहाँ पर बताया भी जाएगा, हर तरीके की चीज़ें होंगी और खुद को एक्सप्लोर करने का एक मौका भी मिलेगा। दोस्तों आइडिया कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइएगा। ये पहला इंट्रोड्यूसिंग ब्लॉग है लेकिन इस ब्लॉग में भी मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ कि यदि बैंक से बात हो रही है इस समय आपकी, आपने लोन लिया है और बैंक आपको परेशान कर रहे हैं तो आप बैंक से कहिए कि प्लीज हमें थोड़ा सा मोहलत जरूर दें क्योंकि इस कोरोना पैंडेमिक के सेकेंड स्टेज में तो सारी चीजें फिर से उसी तरीके से बंद होने वाली हैं जिस तरीके से पहले बंद हो रही थी। अभी ये अप्रैल का महीना चल रहा है और इसमें जैसे कि हम लोग के कोर्ट्स भी बंद है तो इसी तरीके से आप लोग के भी काम बंद होंगे। तो आप बैंकों से कहिए कि हमें थोड़ा सा मोहलत दीजिए, यदि आपने डिफॉल्ट पहले नहीं किया है और डिफॉल्ट इस समय हुआ है तो बैंक आपकी बातों को जरूर मानेगा और वो आपको सब्जी दे देगा। तो दोस्तों ये ब्लॉग बहुत ज्यादा बड़े नहीं करते हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल का नाम होगा एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी, तो आप उस ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्यार जरूर दीजिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।